हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का वीडियो मेंस के लिए काफी ज्यादा वर्थफुल होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में मेंस के लिए टॉप 5 बॉडी हेयर बैग शेयर करने वाली हूँ, जो कि उनकी बॉडी के हेयर को तो रिमूव करेंगे ही फ्रेंड्स, साथ में ब्रांडेड अफोर्डेबल होने के साथ साथ ऑल स्किन टाइप है, उनको सभी स्किन टाइप के मेंस आसानी से यूज कर सकते हैं और साथ में फ्रेंड्स आपके स्किन के लिए सेफ साइड होने वाले हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे मेंस ऐसे हैं, मिनिमम 60-70% जो सलून में वैक्स कराने के लिए जाते हैं, उनको ये पता है कि उनकी बॉडी पर हेयर रिमूव कराने के लिए उनको वैक्स कराना है, बट उनको ये नहीं पता होता उनको कौन से ब्रांड का वैक्स कराना चाहिए, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन के लिए सेफ साइड होने वाले हैं। और साथ में फ्रेंड्स आप इन फ्यूचर अगर आपको अवेयर हैं कि आपको कौन सा वैक्स आप अपनी बॉडी पर करा रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो आपके स्किन पर इन फ्यूचर होने वाले होते हैं उनसे आप बच जाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हैं ऑलरेडी अपनी स्किन पर आप क्या यूज़ करवा रहे हो। सो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ओजस फिटनेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ तो बॉडी केयर हॉट चॉकलेट वैक्स है, ऑल स्किन टाइप है, कोई भी मेंस किसी भी टाइप के स्किन का इसको यूज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स जिनको पेन ज्यादा होता है वैक्स कराने में, तो वो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूँ तो कोको पाउडर इसमें यूज हुआ है, लेमन एक्सट्रैक्ट और साथ में सर्क्यूज यूज हुआ है। फ्रेंड्स जो कोको पाउडर होता है वो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, साथ में लेमन एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो हमारे स्किन को लाइटन करने में हेल्प करते हैं, यानी जिनके स्किन पर टैनिंग हो जाता है तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस वैक्सीन के थ्रू। और साथ में फ्रेंड्स सर्क्यूज जो होता है वो हमारी डैड डिस्कस को रिपेयर करने में हेल्प करता है, एक्सफोलिएट करता है, मॉइस्चराइज करता है, नारिश करता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। कोई भी पैराबिन कोई भी केमिकल का इसमें यूज़ नहीं किया गया है, सेफ साइड है आपके स्किन के लिए, तो आप इसके बारे में भी अपने सलून में जब भी वैक्स कराने जाएं तो उन्हें बता सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड ब्रांड के बारे में बताने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, आप इनको कहीं से भी परचेज कर सकते हो, जस्ट अ हेल्पफुल वीडियो है आपकी बॉडी हेयर रिमूवल के लिए, बेस्ट वैक्स सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने इसको इंग्रेडिएंट को स्टडी किया है, काफ़ी सर्च किया है इसके बारे में, तभी मैं आप तक ये वीडियो लेकर आई हूँ, आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड ब्रांड के बारे में। फ्रेंड्स सेकंड ब्रांड के बारे में बात करूँ तो रीका लेमन वैक्स है, जिसको मेंस और वुमेंस कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेंसिटिव जिनका स्किन टोन है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। फ्रेंड्स पर्सनली मैंने इसको ट्राई किया है तो काफ़ी अच्छा है ये सेंसिटिव स्किन टोन वालों के लिए, जिनका स्किन किसी भी तरह के वैक्स के लिए सुटेबल नहीं होता, तो डेफिनेटली उनके लिए वो ट्राई कर सकते हैं इसको, आप गूगल नेट पर भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूँ तो इसमें नेचुरल बीज वैक्स और नेचुरल वेजिटेबल ऑयल का यूज़ हुआ है, जो कि आपके स्किन को नेचुरली तरीके से हेयर रिमूव तो करेंगे ही, साथ में फ्रेंड्स पेनलेसली, मतलब आपको कोई पेन फील नहीं होगा जब भी आप रीका का वैक्स कराएंगे, और साथ में बहुत ही नेचुरल फील आने वाला है आपके स्किन पर, मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को, नेचुरल ग्लो सफल बनाएगा, सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स एस्टाविटो व्हाइट चॉकलेट वैक्स है, जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होने वाला है, ऑल स्किन टाइप है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी पैराबिन केमिकल्स का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, सो आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होने वाला है। फ्रेंड्स अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूं तो इसमें व्हाइट चॉकलेट एक्सट्रैक्ट का यूज़ हुआ है, जो कि आपके स्किन की टैन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, पेनलेसली आपके बालों को निकालने में हेल्प करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें शुगर का यूज़ हुआ है, जो कि आपके स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करेगा, कोको पाउडर का यूज़ हुआ है, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने का हेल्प करेगा। फ्रेंड्स और भी अदर इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स है इसमें, जो कि आपके स्किन को नेचुरली नरिश करेंगे, और जिनके फ्रेंड्स जिद्दी और मोटे हेयर्स होते हैं उनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करूँ तो लश्चर एलोवेरा वैक्स है, जो कि ऑल स्किन टाइप है, मेंस और वुमेंस कोई भी करा सकते हैं इसको। फ्रेंड्स जिनके स्किन पर वैक्सिंग कराने के बाद दाने निकल आते हैं या एलर्जी जैसा कुछ फील होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर एलोवेरा से बनी हुई है, तो कोई भी इरिटेशन इन्फ्लेमेशन उनकी स्किन में नहीं होने वाला है, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो अपने सलून में, जब भी आप वैक्सिंग कराने जाएं तो इस ब्रांड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं उनसे, उन्हें बता सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करूं तो वैदिक रत्ना चारकोल वैक्स है, जो मेंस चारकोल में वैक्स करवाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वैदिक रत्ना चारकोल वैक्स का, क्योंकि ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है आपके स्किन के लिए।
फ्रेंड्स इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूँ तो इसमें चारकोल एक्सट्रैक्ट का यूज़ हुआ है जो कि डेफिनेटली आपके स्किन को एक्सफोलिएट तो करेंगे ही फ्रेंड्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन को शार्प करेंगे, आपके स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं चारकोल हमारी जो स्किन होती है उसको डीप एक्सफोलिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स चारकोल वैक्स करवाने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको गूगल नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ओजस फिटनेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।